I am Dr. B. Pratibha Sharma. Welcome to my life page. मैं साइकोमेट्रिक टेस्टिंग बताने से पहले आपको अपने विषय में जानकारी देना चाहूंगी. पिछले 22-23 साल से मैं इस फील्ड में कार्यरत हूँ, कार्य कर रही हूँ. इससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर NIVH में HOD थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी. 2004 में मैंने जॉब छोड़ा. 2006 से मैं प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी हूँ. 2006 में मैंने यहाँ डून साइकोथेरेपेटिक सेंटर ओपन किया था और 2008 से आई थिंक मैं डून हॉस्पिटल में एज अ गेस्ट फैकल्टी, एज अ विजिटिंग फैकल्टी ट्वाइस इन अ वीक जाती हूँ. 2008 से ही मैं ONGC के पैनल पे हूँ. साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है जिसमें हम क्वांटिटी वाइज चीजों को बता सकें. जैसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं और हम ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन का IQ किस लेवल का हो, जिसमें हम लेवल सेट करके चीजों को बता सकते हैं. इसमें बहुत तरह की टेस्टिंग होती है, चाहे वो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट हो, इंटरेस्ट टेस्ट हो, पर्सनैलिटी के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हो और इंटेलिजेंस टेस्ट हो. इसी तरह के काफी सारे टेस्ट जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में आते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उनको फेस रीडिंग आना चाहिए, वो ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि सामने वाले के फेस को देखो, उनको रीड करना आना चाहिए कि वो सामने वाला क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है. तो फेस रीडिंग अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है टेस्टिंग की और साइकोलॉजी की. आपकी पर्सनालिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए. अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा, आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे. अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है तो आपको ये फील्ड नहीं चुननी चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट इस फील्ड में है कि एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है. सबसे पॉजिटिव चीज इस फील्ड में ये है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट, कि हम लोगों को समझ सकते हैं. कोई आपके सामने खड़ा है, कोई आपके सामने चल के आ रहा है, कोई आपके साथ बैठा है, तो आप उसके चलने से लेके, उसके बैठने से लेके, उसके फेस रीडिंग से लेके, उसकी स्पीच के मॉड्यूलेशन से लेके, उसके स्पीच के मैटर से लेके, आप सब समझ पाएंगे कि सामने वाला कितना, क्या, कब, कहाँ कहना चाहता है. तो सबसे पहला चैलेंज क्या है कि हमें सबके इमोशंस को पढ़ना और उसको कंट्रोल करना. हम बहुत लोगों से एक दिन में मिलते हैं और सबके इमोशनली डिस्टर्ब, अलग अलग तरह के उनके इमोशंस होते हैं और उन सबको हम रीड आउट करते हैं, उन सबको एसेस करते हैं और उसके बाद हमें उन इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है अपने इमोशंस को, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उतने इन्फ्लुएंस हो जाए और हम उनसे नॉर्मल लेवल पे या उनकी काउंसलिंग नहीं कर पाए और उनकी टेस्टिंग में कहीं गड़बड़ ना कर दें. जब मैं सबसे पहले 10 बजे के करीब सुबह यहाँ पे आती हूँ अपनी क्लिनिक में, तो यहाँ की पॉजिटिविटी से मैं और ज्यादा पॉजिटिव महसूस करती हूँ. मुझे बहुत मेंटल पीस मिलता है. उसके बाद मेरे एक के बाद एक क्लाइंट आते हैं जिनके ऑलरेडी पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स होते हैं, तो मैं उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, उनके लिए टेस्टिंग करती हूँ, फिर उन टेस्टिंग के बाद उनकी स्कोरिंग करती हूँ. और जब मुझे उनकी टेस्टिंग के बाद उनकी प्रॉब्लम्स पता चलती है, तो मैं उनकी प्रॉब्लम से उनको अवेयर कराती हूँ. कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं होते. और अवेयर कराने के बाद जब हम लोग फिर कुछ काउंसलिंग सेशंस देते हैं, तो उसके बाद जब उनकी प्रॉब्लम रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है, कंट्रोल होने लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और इस प्रोसेस को करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो जाती है. और इस बीच में हम 4 to 6 कुछ स्पेशल चिल्ड्रन को भी देखते हैं, उनकी भी टेस्टिंग करते हैं. मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको इस प्रोफेशन में आने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स और कुछ बातें बताई होंगी और जिससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा. थैंक यू.